वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। अभी का ब्लॉग मैं 12 बजे स्टार्ट कर रही हूँ और आज का दिन बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज है मम्मी और पापा की 25th एनिवर्सरी और अभी का टाइम हो रहा है 12 बज रहे हैं। मैं, दीदी और निशी जी तीनों लोग उठ गए हैं और बस 5 मिनट और बाकी है, फिर हम सब केक कट करवाएँगे एंड मैं आपको रिएक्शन दिखाऊँगी क्या होता है मेरे पापा का। और 12 बज में बस 5 मिनट बाकी है, हम लोगों ने केक को सब रख लिया है प्लेस में, अब बस 12 बजे का इंतजार है। सो गाइज, दीदी अभी जा रही है सैंडविच बनाने, तो अभी दीदी आलू वालेगी और फिर उसको सैंडविच बनाएगी। सो गाइज, अभी का टाइम हो रहा है 12:30 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ निशी दीदी का वीडियो शूट करने, उसका कोई वीडियो शूट करना था सो चलिए चलते हैं। सो गाइस, इधर हीरोइन रेडी है और उनका चल रहा है फोटो शूट और ये अपने चैनल पे वीडियो अपलोड करेगी। बहुत अच्छी लगी थी भूख, तो मैंने इधर खाया आलू का पराठा। आपको मैं दिखाती हूँ फोटो शूट, बहुत पसंद है। एंड गाइस, सी दिस मेहंदी जो कि मैंने लगाया है और दीदी ने लगाया है, तो हम दोनों ने मिलके मम्मी को फिर मेहंदी लगाया हम दोनों ने। सो गाइज, इसके बाद से हम लोग छत पर आए और छत पे बहुत ही अच्छी मतलब बारिश हुई थी, सो मौसम बहुत अच्छा हुआ था, तो मैं छत पर आई थी जो कि बहुत मज़ा आया छत पे। सो गाइज, घर पे बुआ लोग आ गई हैं, बुआ फूफा अग्रिमा छान सब लोग आ गए हैं और अभी का टाइम हो रहा है 8:30 बज रहे हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं केक कटिंग करने। तो पापा भी आ गए हैं, पापा भी बाहर गए थे, पापा आए हैं अभी और अब जा रहा है केक कटने। मम्मी भी एकदम तैयार हो चुकी है अच्छे से और फिर अब केक कटने जा रहा है। मैं तो खूब केक खाऊंगी, मुझे केक बहुत पसंद है। और यहाँ पे देखिए अग्रिमा आई है, अग्रिमा आओ। और फिर ये लोग 7:30 बजे ना, हाँ 7:30 बजे करीब ये लोग आ गए, उसके बाद से अभी 8:30 बज रहा है और पापा आ गए हैं और अब जा रहा है केक कटिंग होने।